सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 8 ऐसे ऐसे जो कि पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। बैठक क्या होती है? पहले तो बैठने का कमरा, ड्राइंग रूम यानी, है ना। तो इसका उत्तर है, इस तरीके से है कि आप इसकी तस्वीर भी बना सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, इसके हिसाब से आप इसकी तस्वीर बना सकते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, यानी कि एक कमरा बना हुआ है, उसका एक दरवाज़ा तो घर के अंदर और एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी उसका एक अलग से खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां रखी हैं। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग किया हुआ है। एक तरफ सोफा सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास एक छोटी सी मेज है। मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा हुआ है और उस पर फोन रखा हुआ है। तो इस प्रकार मेरे बताए अनुसार आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ का घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि माँ होती ऐसी है ना, जो बच्चों की थोड़ी सी परेशानी देखकर घबरा जाती है। और मोहन तो कुछ बता भी नहीं रहा था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा, पता नहीं यह कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ घबरा रही थी कि वो बीमारी के बारे में तो बता नहीं रहा था, केवल ऐसे ऐसे किए जा रहा था। तो माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो घबरा रही थी। अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? कुछ बहानों के बारे में लिखो। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना। दोबारा देखिए, ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहानों के बारे में लिखो। अब कौन कौन से बहाने हैं जो बच्चे स्कूल में मारते हैं? पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना है, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहाँ जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने पर बहाना, माँ की बीमारी का बहाना। तो यही बहाने बच्चे मारते हैं ना, कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मेरे माता पिता के साथ कहीं जाना है, मुझे शादी में जाना है, मेरी बस छूट गई, माता पिता ने कोई काम कह दिया, माँ बीमार है। तो ऐसे बहाने ही बच्चे अक्सर स्कूल में मारते हैं, लेकिन उसे मास्टर जी तुरंत समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीतती होगी? हम अगर झूठ बोलते हैं और कोई बार बार झूठ बोलेंगे तो कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर मोहन के साथ हुआ होता तो उस पर क्या बीती होगी, उसके बारे में हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हो गया होता तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा और उसका दर्द बढ़ता जाएगा, जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया होगा और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है। ऐसे में वह बहुत तड़पा होगा और सबको बार बार कहा होगा कि उसके पेट में सचमुच दर्द हो रहा है। तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने का क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। यानी कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने वालों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और इससे हमारा ही नुकसान होता है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरी है के बदले ढीला ढीला हो गया या बहुत कमजोर हो गया भी लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का प्रयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। तो इन वाक्यों को अनुमान लगाओ, इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, तो कैसे लिख सकते हैं इन पंक्तियों को, आइए देखते हैं। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं।
इन बीमारियों ने तो परेशान कर दिया, और तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है उसका क्या होगा, तुम तो बहुत चालाक हो। अगला प्रश्न है, मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो कि तुम दोनों ने आपस में क्या बात की होगी, कैसे की होगी। उत्तर, मैं जाऊंगा तो उससे मैं कैसे पूछूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मोहन कैसे हो। अब मोहन क्या कहेगा, ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। फिर मैं क्या कहूंगा, डॉक्टर को दिखाया। मोहन क्या कहेगा, हाँ परंतु कोई कारण पता नहीं चल रहा। फिर मैं क्या कहूँगा, समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना, यानी उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाने की बात भी कहूँगा। चौथा प्रश्न है, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए, कभी भी हम पे कोई भी मुसीबत आ जाती है तो ऐसे में हमें कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो किस किस के नंबर याद रखने चाहिए हमें संकट के समय में, हमें पुलिस, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल चिकित्सक के नंबर याद रखने चाहिए। पुलिस का नंबर क्या है, 100, फायर ब्रिगेड का 101 और एम्बुलेंस का 102 है। यदि कोई वारदात होती है तो पुलिस को जानकारी देंगे, यदि आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को खबर करेंगे, यदि कोई बीमार है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। हम उनसे नम्र स्वभाव में प्रार्थना करेंगे और हम उन्हें अपने घर का पता भी बताएंगे। तो इस प्रकार से हम उस संकट को टाल सकते हैं। ऐसा होता तो क्या होता, मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन हाँ से सिर हिलाता, मोहन जी सब काम पूरा कर लिया। इस स्थिति में नाटक का क्या अंत होता, अब तो मोहन का काम पूरा नहीं था इसलिए वो ऐसे ऐसे का बहाना बना रहा था। अगर मास्टर जी उससे पूछते कि तुम्हारा सारा स्कूल का काम तो पूरा है और मोहन कहता कि हाँ मेरा सारा काम पूरा है, तो ऐसी स्थिति में नाटक का क्या अंत होता। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि इसके पेट में सचमुच में दर्द है और वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज कराने की सलाह देते। अब ये अंतिम प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। चारों वाक्यों में एक ही चीज के बारे में बताया है और एक जैसे से लग रही है हमें वाक्य, लेकिन इनमें अंतर है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या अंतर है, वैसे तो ये मिलते जुलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी तीन वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अलग अर्थ निकलते हैं। पहला वाक्य किसी कार्य बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। कोई भी काम होता है तो उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य। और दूसरे वाक्य में कार्य के न होने के बारे में बता रहा है कि उसने केला नहीं खाया, संतरा नहीं खाया, तो इसे ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, निषेधात्मक वाक्य, निषेध वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। और तीसरा वाक्य है मोहन ने क्या खाया, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसे कौन सा वाक्य कह रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और चौथे वाक्य में क्या कह रहे हैं, मोहन के संतरा और केला खाओ, तो उसे आदेश दे रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से आदेशवाचक वाक्य हो गया। आप भी अगले पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा, वाक्य दिया गया है, इसके बाकी तीन रूप तुम सोच कर लिखो, बताना। अब बताने का क्या है, रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं कहा रुथ ने अपने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। पूछना कहा, रुथ क्या कपड़े अलमारी में रख दिए, या इसे रुथ ने कपड़े कहाँ रखे, कैसे भी लिख सकते हैं ना, आदेश देना रुथ अपने कपड़े अलमारी में रखो। तो ये आइए देखते हैं इसके उत्तर को, ये देखिए ऐसे ही है, विधिवाचक वाक्य रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे, निषेधात्मक वाक्य रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, प्रश्नवाचक वाक्य क्या रुथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए, इसको सही करेंगे रख दिए, क्या आएगा रख दिए। आदेश वाचक वाक्य रुथ कपड़े अलमारी में रखो, अब इसमें आदेश दिया जा रहा है कि रुथ अपने कपड़े अलमारी में रखो। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ 8 ऐसे ऐसे का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।